वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग। तो गाइस बेसिकली अभी आप भैया देख सकते हैं मेरे पीछे कि अभी हमारे गांव में, जैसा कि आपने देखा पिछले ब्लॉग में, कि दीपावली के बाद हम गायों को रंगते हैं और उसके बाद भाई दूज आती है। भाई दूज पे हम बेसिकली क्या करते हैं कि सुबह उठकर दूजियाँ यानी कि दूजियाँ बनाई जाती हैं, उनकी पूजा की जाती है और जो भी मतलब देवता जी रहते हैं यानी कि जो देवता रहते हैं गाँव में आप जानते होंगे, उनको पूजा जाता है। तो बेसिकली मैं यहीं पूजने आया था, लास्ट हैं ये और बाकी तो पूज दिए हैं। ये है नारसिंह बब्बा और ये रखा है अपना सब सामान पूजा का। और ये खेत है पास में, ये चाचा जी का उस साइड हमारा भी खेत है, इसमें फिलहाल तो मसूर बो दी है, वहाँ पे भी हैं, वहाँ पे भी जाना है और उधर भी जाना है। सो गाइस अभी आप पीछे देख सकते हैं यहाँ पे हमारी आसू माता। सो बेसिकली अभी पूजा हो गई कंप्लीट, अभी जाना है एक और जो गांव के सबसे बड़े देवता हैं, कौन है वो हैं गोंड़ बाबा, जो कि उधर एक वो बना है चबूतरा बहुत बड़ा, वहाँ पे ही जाना है। अभी गाड़ी से जाएंगे वहाँ पे। तो सो यहाँ पे है बेतवा नदी, एज यू कैन सी यहाँ पे बेतवा नदी है और काफ़ी बड़ी नदी है। अभी खेत की मेड़ पे ही हूँ मैं अभी, है ना। ये है हमारा खेत ये वाला, इसमें जो बमूर का पेड़ लगा है, और ये है बेतवा रिवर, बहुत बड़ी नदी है। दोस्तों अभी हम टूर रहे हैं खेत की पत्तियाँ, क्योंकि जो छोटी वाली बची है उसके पैर में होगा ये थोड़ी बहुत दिक्कत, यानी कि उसको लग गई है, तो उसमें लगा देंगे तो इससे सही हो जाता है। ऐसा किया है दो तीन बार तो और हो भी रहा है, फ़ायदा ही पड़ रही है। तो दोस्तों हमने यहाँ पे ये तोड़ ली हैं पत्तियाँ और ये बैठे हैं, ये बैठे भाई नहीं रही यार, ये तो और किसके गले में बंदी इसके में, ये तो मारता है ये बजे नहीं रही यार, चलाओ गए हम लोग, आइए सब बजा कर दी बजे। जल्दी निकल, तू भी निकल निकल। बाकी देखा हमने पूजा कर ली और अभी बज गए हैं 1:30 और हमारे यहाँ पे इस दिन यानी कि भाई दूज के दिन एक बड़े देवता जी हैं गोंड़ बाबा, उनके वहाँ पर थावर भराती है, तो उसी को हम देखने जा रहे हैं। तो आप भी साथ में चलिए देखिए वहाँ, जैसा कि आप देख सकते हैं वो मकान दिख रहा है, वहीं पे जाना। तो यहाँ पे हम फाइनली पहुँच गए हैं यहाँ पे, बेसिकली ये तो एक गौशाला है जो अभी बंद पड़ी है, यहाँ पे है थावर, रुक जाना। तो तक नहीं पहुंच गई थी, लेकिन हम ठोल रहे हैं जैसा कि अभी आप देख सकते हैं कि अभी हम इधर अभी हम पहुंच गए हैं यहाँ पे थावर वाली है। तो बेसिकली ये हमारे गांव के और कई गांव के भी लोग आए हैं यहाँ पे आज। अभी आप देख सकते हैं काफ़ी भीड़ है यहाँ पर, मन्नतें मांग रहे हैं लोग। दोस्तों अभी आप देख सकते हैं हमारे पीछे जो एक महाराज जी हैं, उनको देवता जी आए हैं, तो वो मन्नतें मांग रहे हैं लोग उनसे, और काफ़ी भीड़ भी है, प्रसाद भी मिल रहा है, भभूत यानी कि जो भभूत रहती है वो भी मिल रही है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो अभी आप देख सकते हैं वहाँ पे चल रहा है कार्यक्रम था और, है ना, और ये हमारा गांव का स्थान है ना, इसको हम बोलते हैं पतरिया, यानी कि हर गांव का एक छोटा ऐसा स्थान रहता है जिसको हम खास नाम से जानते हैं, है ना। तो यहीं पे ये कार्यक्रम चल रहा है, जो महाराज जी हैं ना वो प्रसाद वगैरह दे रहे हैं, भभूत वगैरह दे रहे हैं, हमने भी ले ली है, ये भी लगा लिया है। यहाँ पे काफ़ी बड़ा एरिया है, यानी कि ये इसी के लिए है प्रमुख,
यहाँ पे भी देवता है, वहाँ पे भी, और काफी बड़े बड़े यहाँ पे पेड़ लगे हैं। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे काफी बड़े बड़े पेड़, इनको हमने एक अलग से सेपरेट वीडियो में कवर किया है। तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं घर, मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको ये जगह कैसी लगी, अच्छी लगी होगी, हालांकि मज़ा ही आ गया। तो बेसिकली ये हर साल ईयरली होता है यहाँ पे प्रोग्राम, ये धार भराती है। साइकिल से आए थे हम, हमारी गाड़ी गई है दूर अंत गांव, मतलब और कहीं ले गए हैं। सो बेसिकली कैसा लगा आपको ये जगह और ये देवता जी और ये व्लॉग, तो कमेंट करके ज़रूर बता देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और धन्यवाद। देखो भूतिया बंगला, हालांकि ये भूतिया बंगला तो है नहीं, लेकिन खाली पड़ा रहता है तो वैसे ही लगता है भूतिया बंगले से। दोस्तों अभी हमको लगा ये प्यास, इसके अंदर चलते हैं, इसमें एक नल है, पानी पियेंगे। क्योंकि यार मतलब 2 किलोमीटर साइकिल चला के आ रहे हैं, तो बताओ यार प्यास ना लगेगी, बताओ बताओ। तो इसके अंदर तो हम आ गए हैं, इसके बारे में हमने एक वीडियो भी बनाया है। यह है इसका नल, अब देखते हैं इसमें पानी निकलता है या नहीं। अरे यार बिगड़ा पड़ा, रहने दो। तो यहाँ पे एक ट्विस्ट की बात बताएं, हमारे गांव के आधे से लोग अब आ रहे हैं जब कार्यक्रम पूरा ठप, यानी कि ख़त्म हो चुका है, मतलब ख़त्म होने में ही है, पर अभी लोग आ रहे हैं हमारे गांव के ना, अभी तो ख़त्म होने वाला है थोड़ी देर में।